मारते हैं भाई, ये कहते हैं कि पता नहीं क्या सिस्टम है कि एक बार वहाँ छोड़ते हैं फिर वहाँ से वापसी आना पड़ेगा, ऐसा ही कुछ शायद है लगता है मेरे को। बाकी जब रोकेंगे तो पता चलेगा कैसा क्या है। इस तरफ भी पहाड़ हैं, इस तरफ बाइकें, इस तरफ लोग ये जनरेटर, और इस तरफ भी सब बाइकें ही बाइक, और उस तरफ भी पहाड़ है सारा एरिया, सारा पहाड़ी एरिया है। भाई बहुत बड़ा है ये, और अभी तक पहुँचे नहीं है। दिखने में जितना बड़ा लगता है ना उससे कहीं ज़्यादा बड़ा। इस तरफ पता नहीं कहाँ उतारेंगे, और मेरे को भी पता चला है वहाँ से अगर हम उस तरफ जाएंगे तो उसका एक बंदे का जो किराया लेते हैं वो 30 रुपये लेते हैं, और हम चार्ज ने तो हमसे 120 चार्ज किया भाई, 120 हो गया। और अब देखें वापसी जाने के भी पैसे लेंगे, बट सामने देख सकते हैं ऊपर सामने टावर है, पहाड़ है, बस कुछ नहीं, नीचे पानी और कुछ है ही नहीं यार, सही है। बाकी मैं उतर के और बताता हूँ आपको कैसे क्या है कैसे क्या नहीं है यहाँ। ये बीच में थोड़ी सी जगह है भाई, और ये मेरे ख्याल से यहाँ का आइलैंड है और क्या आइलैंड कह सकते हैं, बीच में पहाड़ है, जैसे समुद्र में नहीं होता, समुद्र में बीच में बहुत सारे जगह छूट जाती है तो पहाड़ बन जाते हैं, तो आइलैंड बोलते हैं उनको। तो ये हिमाचल प्रदेश का एक बीच वाला आइलैंड है। अभी आप पहुँचने वाले हैं, बस 2 मिनट, मेरे ख्याल से 5 मिनट और लगेंगे, 5 मिनट आने बाद ये उतार देंगे। और यहाँ पे एक लड़की बैठी है, आप ये लोंडा लड़कों से बातें करने लग जाता है, जहाँ भी जाती हैं पता नहीं कौन है ये, हमारे साथ आया हुआ है। देखो भाई सामने पे पहाड़ है, उस तरफ भी सामने पहाड़ है, बस पहाड़ मेरे को लगता है पूरा ही आइलैंड टाइप ही है कुछ, मेरे को लग रहा था वैसे उस तरफ से रास्ता होगा, बट वैसे वहाँ से रास्ता नहीं है, ऐसे में है। और यहाँ पे जो सामने आपको दिखाई दे रही है ना, यहाँ पे उसको थोड़ा सा जूम करते हैं, ये जो चीज़ दिखाई दे रही है इस तरफ से, और आगे सामने पहाड़ है, आगे ये पता नहीं मार्केट कितनी अंदर है, और यहीं साथ में पास इंफॉर्मेशन की इस तरफ बालकनाथ जो बाबा जी हैं वहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है, देखो अगर टाइम लगा तो वहाँ भी जाएंगे, बट बाकी कुछ कह नहीं सकते। आपने देखा होगा जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि ऐसे इस जगह पे आके शेर जंगल में से शेर आते हैं, मैं वैसे एक्सेप्ट कर रहा था, बट मेरे को मिली है यहाँ पे भैंस है उस तरफ, ऐसा है शायद कैमरे में दिखाई नहीं दे रही, अगर आपको हल्की फुल्की दिखाई हो तो ऐसा ही कुछ है, एक्सपेक्टेशन कुछ थी मिला कुछ, और बोट वगैरह खड़ी है काफ़ी, तुम आउट कर लेते हैं, इस तरफ भी बोट खड़ी है, ये सारी बोट हैं, या तो मछली पालन भी करते होंगे यहाँ के लोग शायद, बट ऐसा कुछ लगा नहीं मिलता है, तो दिखाई नहीं दिया सर, यहाँ पे टेंट वगैरह लगा रखे हैं, मेरी तरफ से उस तरफ सामने शायद हमको छोड़ेंगे, उस तरफ छोटी नाव है, ये वाली नाव है ना, जो ये वाली नाव है मैंने अपने गांव में चलाई थी बहुत टाइम पहले, वो वाली नाव हाथ वाली, वहाँ पे बोट पे लिखा है मस्ताना सफ़र, क्या और सबसे अच्छी बात बोट के भी नंबर है, बोट पे भी नंबर, मेरे को पहली बार पता चला है बोट पे भी नंबर, भूख लग रही है कुछ खा ले, भूख लग रही है, अभी उतर के कुछ मिलेगा भाई, और तो क्या कह सकते हैं, उतर के देखते हो कितनी आगे जाना पड़ेगा तभी है कुछ। जा चुके उतर चुके हम यहाँ पे बोट, इस तरफ वापसी जाना पड़ेगा। ये भाई साहब कह रहे हैं यहाँ पे मार्केट नहीं है, कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ पे ज़्यादा जंगल एरिया भाई, और कुछ नहीं है। यहाँ से बालकनाथ का रास्ता पता नहीं कितनी दूर है, ये मना कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ चलो, बट ये मान नहीं रहे, और कुछ नहीं है, बस यही है भाई जंगल, इस तरह मेरे ख्याल से दुकान नहीं वगैरह है, या कुछ बिकता होगा बट कुछ नहीं है। भाई बालकनाथ चलना है क्या भाई? जा नहीं पाएंगे यार, सवारी भी नहीं मिलेगी, वो अबे इतने पास आके भी वो हो जाएगा, पंगा हो जाएगा, सवारी मिलने के लिए कहीं और छोड़ रहेगा इनको बाइकों को, हैं कहाँ छोड़ रहे बाइकों को, वापसी जा रहे हैं क्या?
और बाइक तो लगाएंगे कहीं ना कहीं भाई। बोट वापस जा रही है, मतलब क्या सीन, मैं कह रहा हूँ इसे पूछ लेते हैं किंदर में जाएगा, एक घंटे में जाएगा, आधे घंटे में जाएगा वापस। ओह भाई प्लान कैंसिल हो गया, बालक नाम नहीं जा रहे क्योंकि शाम की ट्रेन हमारी 10 बजे की, नेक्स्ट टाइम आएंगे। और बोट स्टार्ट हो गया दोबारा, वो वाली धीरे चल रही है बट मेरे को लग रहा है स्पीड चलेगी। ये खाने पीने के लिए इन्होंने बनाई हुई है, परांठे वगैरह मिलते हैं यहाँ पे उस बोट में ना, उतार दी इसे चढ़े थे इससे बैठ गए, ये भी खाने पीने के लिए ढाबा है यहाँ पे। और कुछ है ये स्पीड चल रही है शायद मेरे ख्याल से आधे घंटे में उतार देगी या उससे पहले भी उतार सकती है, शायद आपको मेरी आवाज़ ना रही हो बट व्यू देखिए आप। सारा जंगल का एरिया, सारा एड टू जेड जंगल, और कुछ है ही नहीं इस तरफ। इस तरफ से दो लड़की बैठी थी हमारे साथ, वो बता रही थी कि 6 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है उन्हें। ये जो घर दिखाई दे रहे हैं छोटे मोटे, ये आसपास के लोगों के लिए हैं बट यहाँ पे मार्केट नहीं है। और हिमाचल में रहना से ना कुछ इसी तरह का ही होता है। ये हमारे मिस्टर गब्बर, हाँ भाई बसंती कहाँ पे, थोड़ा चढ़ता थोड़ा ऊपर। ये बोट का बिल्कुल आगे खड़े भाई, यहाँ से वो सामने जो दिखाई दे रहा है ना हल्का हल्का दिखा देता हूँ, वो है भाई डैम का आगे का खुलने का रास्ता, मतलब वहाँ पानी जमा बहुत सारा। उतर गया भाई यहाँ पे, सामने मंदिर है बापा जी का, फिर यहाँ बाइक उतारने के लिए उतरे। ये मछली जाल पड़ा हुआ यहाँ पे, सारे मछली वगैरह पकड़ते हैं, और मेरे पैरों में भी जाल फंस रहा है बार बार। भाई मेरे को छोड़ दे, मेरे साथ क्या करेगा तू,
चल पड़े क्या? ओ मेरे को छोड़ के जा रही है बोट। काटा दे, बिस्किट दे। ए मैं कह रहा हूँ इस गब्बर को उल्टा लटका देना, इतनी मछली आ जाएगी, मजा आ जाएगा इसको। गंदा मांस खाएंगे वो फिर हम। इसका इसका ये है, गंदा इंसान है बहुत ज्यादा ये। तो अब भाई फिर डेस्टिनेशन पे आ गए, यहीं से चले थे, यहीं से वापस आ गए। क्या मैं हरियाणा न्यूज से हूँ, मेरे को आज ही पता चला। गिब्रो मोरा गिब्बर। चलो संतोष बसंती का। हाँ क्या कह रहे हो आप अभी? तो क्या खाएंगे आप खाने? मछली, मच्छी चौड़, दाल।